के सरतान से बचाव के लिए दुनिया भर के साथ साथ पाकिस्तान में भी पिंक रिबन डे मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में मरकजी तकरीब लाहौर में मीनारे पाकिस्तान पर मुनक्कित की जा रही है। मजीद हम जानेंगे एवाई न्यूज के नुमाइंदे ख्वाजा नसीर से। ख्वाजा नसीर, क्या अहवाल बताएंगे इस तकरीब का? जी, इस वक्त आज जहाँ दुनिया भर में ख्वातीन के अंदर जो छाती का सरतान है, इस बीमारी के खिलाफ एक पिंक रिबन कैंपेन मनाई जा रही है। इसी कैंपेन को लेकर लाहौर में भी आज पिंक रिबन डे मनाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ पिंक रिबन कैंपेन के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उमर आफ्ताब जो मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि पाकिस्तान में ख्वातीन में छाती के इमराज की रेशो कितनी है। जी, हर 9 में से 1 खातून है वो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे है पाकिस्तान में, और ब्रेस्ट कैंसर जो टोटल कैंसर बर्डन है उसका तकरीबन को 38.5% जो है वो ब्रेस्ट कैंसर है। आप बकायदा तौर पे लाहौर में एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं इस बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए, इसका ग्राउंड ब्रेकिंग कब हो रही है इसकी? जी, ये अगले महीने जो है हम इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अगले 2 साल में ये हॉस्पिटल जो है ये अपना काम कर रहा होगा। और ये जो हॉस्पिटल है ये ब्रेस्ट कैंसर का कंप्लीट ट्रीटमेंट फैसिलिटी, डायग्नोस्टिक से लेके और ट्रीटमेंट तक की फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगा। इनका ये कहना है कि लाहौर में सिलसिले में एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाया जाएगा जिसकी ग्राउंड ब्रेकिंग अगले माह होगी, जहां तमाम तर इस मर्ज से लड़ने के लिए तमाम तर सहूलियात मुहैया की जाएंगी। जी ठीक है खाजा।